शब्बो के ज्यादातर सीन्स सीन एग्जांपल एग्जाम्पल जिसने ही चाय गिराने वाला था ये okay. स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था अच्छा तो और फिर चाय गिरने की भी तो कैसे गिरेगी हाँ तो हम बैठे हुए थे और मैंने फारूक को मैं मैं कहा अरे, अरे 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 ये फारूक है, हाँ. है ना अरे 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 करके शुरू करते हैं, है, चले, चले, हैं आपसे हाँ. तो मैं, मैंने उसको मैंने कहा एक तो मैं बोर हो रही हूँ उसके बाद <laughs> काम, काम करा रहे <laughs> कहते, चले चले आप चाय लेकर आए और आप महरीन अपना मछल के ऊपर गिरा देंगी चाय तो मैंने कहा ऐसे कैसे गिरेगी उसको सारा मैंने कहा उसको वी वर रेडी फॉर द सीन हमने शूट भी कर लिया सीन जैसा था हुँ. तो मैं अब खड़ी हूँ ना यूं करके मैं जब बोर हो जाती हूँ मेरी शक्ल पे आ जाता है हुँ. तो कहता है चले चले लेकर आए ट्रे लेकर आए चाय लेकर आए और शब अब आप आएंगी और आपने बस गिर जाना है हुँ. तो वो तो हमने कोई सात आठ टेक्स किए सात आठ टेक्स में मैं गिरी एक आध दफा चोट भी बहुत बुरी लगी पैर में मोच भी आ गई बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम इनफैक्ट मोच आने की वजह से ये हुआ कि गिरना आसान हो गया, hmm. <laughs> <laughs> Flow आ Flow आ गया आ उसमें आ। तो अब कभी मैं गिरू तो ओहो ट्रे सही नहीं गई दोबारा गिरे ओहो वो यहाँ पे गिर गया तो मैंने कहा यार आप कट करके कुछ कर लीजिएगा एडिट कर ले खुद आ गया वहां यार नहीं 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 मुझे पूरा ट्रे उड़ती हुई जाती है जैसे मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर जब एक दफ़ा उड़ती उठ रही गई तो मेरा मुंह जाके लग गया उसके ऊपर टेबल के फिर उन्होंने नीचे कुशन बिछाए जिस पर फिर मैं गिरी जाके तो इस तरीके से हमने काफ़ी इस सीन को देर तक किया दो तीन घंटे गुजर गए एक ही सीन करते करते और ये सिर्फ गिरने वाला सीन था <laughs>

आ, वो वो उसमें नहीं था वो भी आप वो में में जो वो उसमें वो जो सोचती है कि इसको तो मैं हा, करके हा। थोड़ा कंसर्न हुआ था कि हम ये इतना बड़ा इतना सीरियस इमोशन इस तरह करके इसको इस तरह कॉमिक उसमें दिखा रहे हैं कि, कि किसी के गला काट के कुक करने की बात हो रही है <laughs> थोड़ा कंसर्न ये कुछ डिस्कशन कुछ हुई थी इस तरह की फिर आपने सोचा कि हम जाने देते हैं नहीं नहीं आई थिंक ये डिस्कशन तब होती अगर मुझे मुझे कुछ चीज़ों का पता है जो मैं अच्छी कर सकती हूँ okay. uh, मैं जैसे बहुत रोती हुई औरत अच्छा नहीं कर सकती आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ वूमन ऑल दो इर्द गिर्द बहुत हैं hmm. हमारी मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि जो विक्टम हैं लेकिन आई डोंट बिलीव इन

जी जी जी। हमारे मुल्क <coughs> में तो लेकिन सो जब जब हम थिएटर भी कर रहे होते हैं तो हम जब इम्प्रोवाइजेशन कर रहे होते हैं और में से गुजर रहे होते हैं उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और अच्छा है कि जितनी जल्दी पता चल जाए बिल्कुल उतना ही आसान होता है हम लोगों को पिक एंड चूज़ करना कि हम क्या चीज़ कर सकें क्या नहीं तो जब मुझे फ़ारूक ने बताया कि कैफ आपने मैं सेट पे आई हूँ और हमने कहा कि ये ये सीन यूँ होगा अच्छा ठीक है हमने कर लिया एक दफ़ा सीन हम करके देख लेते हैं कि अच्छा ये यूँ होगा फिर फ़ारूक ने कहा अरे नहीं क्या मैंने फिर उसको देखा मैंने कहा व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ तो कहते हैं मैंने कहा उस फारूक मैं स्क्रिप्ट पढ़ना छोड़ रही हूँ अब तो आपको आप मुझे आप मुझे बता आ, आ गया क्या करूँ मतलब आप स्क्रिप्ट याद करके आ रहे हो एंड देन फारूक इम्प्रोवाइजर्स सो आई वाज लाइक अब मैं नहीं पढ़ के सीन आ रही आगे तो उसने कहा अब आप यूं 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 करेंगी मैं फ़ारूक को देख रही थी करते हुए और मैंने कहा मैं इस तरह से नहीं कर सकती जैसा आपने कहा मैं अपने तरीके से आपको करके दिखाती हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है आप कर लें मुझे पत... मैंने बस आपको जिस बता दी अब आप जो कर सकती हैं करें तो हमने वो तीन दफ़ा रिकॉर्ड किया तीन डिफरेंट मैंने वर्जनस दिए और ये वाला अच्छा था और जब मैं कर रही थी तो मुझे ख़ुद भी हंसी आ रही थी तो आई अंडरस्टूड कि इसमें गौरी कुछ नहीं है इसके अंदर मतलब मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे हम जब मशल की एज पे जब मैं थी तो मुझे कितनी दफ़ा बोले मैं घर काट के रख दूंगी oh. मेरी हमारी माँ ने कहा लगता है तोड़ तेरी दे yeah. <laughs> या फिर मैं तो चीर दूँगी ना yeah. इस तरह की बात है so you know. yeah. so uh, ये जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो ना जिसमें हम बात करते हैं कि और दूसरा आई थिंक दिस इज़ एन एटीन प्लस और अदर सिक्सटीन प्लस ड्रामा yeah. अगर इसको रेट किया जाए तो अंडरस्टैंड okay. हाँ, अगर कोई छोटा बच्चा बैठ के देख रहा होगा जो कि अक्सर मुझे जब पसंद करने वाले कोई छोटी उम्र के मिलते हैं तो वो हमने संगे मरमर देखा आपका मैं my, जो भी खातन आती हैं अपने बच्चे नौ साल की बच्ची मेरी क्यों फैन है मैंने तो बच्चों वाला कोई ड्रामा अभी तक नहीं किया तो मैं माँ बाप को बोलती हूँ जिसपे वो अक्सर मेरा ख्याल है वो होके चले नाराज हो 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 जाते 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 हैं, हाँ, हो जाते हैं। हाँ, जाते हैं कि उनकी तो का टीचर कभी का निकल नहीं सकेगा तो <laughs> मैं जरूर बोलती हूँ बच्चों के देखने वाला ड्रामा नहीं था आपने क्यों दिखाया इसको आई ये वाला ड्रामा भी बिकॉज जिन्होंने नॉवल देखा हुआ है देडरस्टेंड द कॉन्टेंट इज एटीन प्लस सो दे nahi jisse hum implement ye to parents ki job hai na yaar agar main kehti hu main dekhti hu bahut sare बच्चे aajkal depression mein se guzar rahe hain pandemic ke baad aur zyada गुजरे हैं तो बल्कि मैं आप ही का प्लेटफॉर्म लेके जरूर कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि स्टार्ट बिंग रिस्पॉन्सिबल आप टीचर्स के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्योंकि बच्चा घर में भी होता है और अगर बच्चा घर में सेवेंटी परसेंट ऑफ द डे नहीं है देन इट्स योर फॉल्ट आप अगर उसको ट्यूशंस भेज रहे हैं और आप उसको खुद नहीं पढ़ा पा रहे यू आर नॉट इक्विप्ड टू रेज अ चाइल्ड हार्श बट दिस इज अगर आपने अपनी पौध को बचाना है अपनी यूथ को स्ट्रेंथ देनी है देन द पेरेंट्स नीड टू रियली बी अराउंड द चाइल्ड आप अपनी फैमिली um, पॉलिटिक्स से लड़के परेशान होके के बच्चों को धुतकार नहीं सकते हैं। और इट्स अ वेरी फुल ऑफ पेशेंस वाला जॉब आंबल के आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और ख़ुशी खुशी किया mm -hmm. क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड थी yeah. तो प्लीज़ अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हों ये मत कहें कि अल्लाह की देन है और हो जाता है mm -hmm. <laughs> नहीं होता आपके हाथ में होता है तो आई एम सॉरी हमने फैमिली प्लानिंग सब डिस्कस कर लिया कंसल्टिंग <laughs> uh, और थेरेपी सब हमने और सजेशन uh, इस ड्रामे में भी यही डिस्कस हुआ हुआ है सो कोई फाइंड रिएक्शन हुआ है कोई शेयर कर सकती है कोई मजे का कमेंट या किसी का कोई डीएम आया हो या किसी से मिला हो या किसी ने कुछ बोला हो आपको शब्दों पे हाँ हाँ बहुत लोगों ने किया बल्कि मैं हैरान हो गई मेरी पोस्ट तो कभी 100 लाइक्स क्रॉस ही नहीं करती तो यहाँ पे आठ हज़ार लाइक्स हो गए एक सौ चौदह एक सौ बीस करते चलते जा रहे हैं कमेंट्स और मेरा ख्याल है आप लोगों की ही बनाई हुई पोस्ट है जिसमें ज़्यादा इट्स डूइंग वेरी वेल सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट पीपल आर लाइकिंग द कैरेक्टर क्योंकि वाकई में सपोर्ट कैरेक्टर बड़ा रचाव लेकर आता है ड्रामे के अंदर और um, इससे मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर्स का शायद इतना ना रोजान बने पर राइटर्स को ही पता चलेगा कि सपोर्ट कैरेक्टर्स पे आप लोग जितना मजे से ग्रेरिया दे रहे हैं उसी इतना आप अपने लीड कैरेक्टर्स को भी दें ताकि मे बी ज्यादा लोग जो है उसके साथ कनेक्ट हो सके